सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निपथ का स्कीम के तहत आपका जो फिजिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आप लोग का सपना है अग्निवीर, यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत आप किसी भी ट्रेड में ज्वाइन लेना चाहते हो, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो या फिर क्लर्क हो, तो उसके लिए आपके अंदर, आपके बॉडी में या आपका जो फिजिकल फिटनेस क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा रैली के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अग्निपथ स्कीम के तहत आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है आपका हाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट आपको कितना जरूरत पड़ेगा, तो अग्निपथ स्कीम के तहत आपका जो हाइट बनेगा दोस्तों, वो डिफरेंट डिफरेंट जोनल वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा। एक नॉर्दर्न साइड जो होता है वो 107 सेंटीमीटर होता है, और साउदर्न जो साइड होता है दोस्तों वो 163 सेंटीमीटर स्टार्ट होता है। उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे कि कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में कितना हाइट जरूरत पड़ेगा ऑल ट्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हाइट का अगर बात करूँ अग्निपथ स्कीम के तहत, आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फर्स्ट है दोस्तों, वो है 165 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट होना चाहिए अगर आप अग्निपथ यानी कि अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों आपका वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में जरूर रखना। फ्रेंड्स जो आपका वेट होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम 50 केजी होना चाहिए ऑल ट्रेड के लिए। आप कोई भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो, आपका जो वेट होना चाहिए दोस्तों वो 50 केजी का आप होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका फिजिकल जो आपके पास होना चाहिए, आपका जो रैली मैच चेक होगा दोस्तों, वो है चेस्ट साइज। दोस्तों यहाँ पे चेस्ट साइज अगर मैं बात करूँ तो आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट साइज होना चाहिए, वो भी ऑल ट्रेड के लिए। और यहाँ पे आप जब भी एक्सपांड करो, यानी कि जो आपको जब भी चेक किया जाएगा रैली के दौरान, तो वहाँ पे आपको एक्सपांड करने के लिए कहेंगे, यानी कि फुलाने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना ज़रूरी है, राइट। ये एक एलिजिबल होता है। दोस्तों जो नेक्स्ट है आ जाता है हमारा, यानी कि हम बात करेंगे, ये तो गया हमारे जो मेन क्राइटेरिया होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं दोस्तों, वो है आपको 1600 मीटर देना होता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, जो नए देख रहे हैं ये लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे आपको टेस्ट देने होंगे और फिजिकल क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी आपको देना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों 1600 मीटर में आपको कुछ टाइमिंग मिलता है, यानी कि 5 मिनट 15 सेकेंड से लेके 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप आते हो तो ग्रुप वन में आते हो, जो कि एक्सीलेंट कहते हैं, राइट है। दोस्तों जो सेकेंड है वो 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड में अगर आते हो तो ग्रुप टू में आते हो, जो कि गुड कहा जाता है, ठीक है। 1600 मीटर नेक्स्ट दोस्तों, 1600 मीटर के बाद आपको बीम्स यानी कि बीम पुलअप्स मारना होता है, ठीक है। बिम्स पुलअप आपको अराउंड 10 के आसपास मारना होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे। अगर आप 10 से नीचे मारते तो उसके बेसिस पे मार्क होता है। हालांकि यहाँ पे बता दो, कुछ ट्रेड के लिए जो फिजिकल टेस्ट होता है सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यहाँ पे कुछ आपको मार्क नहीं मिलता, जैसे कि क्लर्क टेक्निकल होगा, और नॉर्मल रेगुलर रैली में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में, तो यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट का जो भर्ती है दोस्तों वो रेगुलर रैली में आएगा। क्यों आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जो नेक्स्ट फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना होगा दोस्तों, वो है जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। जो नेक्स्ट है वो है आपका 9 फीट डीच का जंपिंग देना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो आपको अग्निवीर में अगर आप जाना चाहते हो या अग्निवीर का स्कीम के तहत आप भर्ती देखना चाहते हो, तो फिजिकल क्राइटेरिया यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत। और जैसे कि मैंने बताया, हाइट आपका होना चाहिए 165 से 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, चेस्ट साइज आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होके 82 सेंटीमीटर जब एक्सपांड करो तो होना चाहिए। उसी के साथ आपको 1600 मीटर का रनिंग भी देना होगा, बिम्स पुलअप भी आपको मारना होगा, उसी के साथ आपका जिगजैग बैलेंस और 9 फीट डीप जंपिंग भी देना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक एडिशनल आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे जो कि मेडिकल क्राइटेरिया में आ जाता है, लेकिन आपका ये ध्यान में जरूर रखिए, आपका
नो फ्लैट फुट, यानी कि आपका जो फुट है वो नहीं होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, समतल में नहीं होना चाहिए, आपका फ्लैट में गैप होना चाहिए, आप वो देखे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा है वो आपका वो है दोस्तों कि आपका जो शरीर में कोई भी मेजर इंजुरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो मेडिकल में आ जाता है, लेकिन बाय चांस अगर आपका ये बड़े बड़े मेजर कोई इंजुरी है या आपका फ्लैट फुट है तो बहुत ही बड़ा इशू है, इसमें आप फिजिकल में कट जाते हो और आपको मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर आपके ये सारे कुछ मतलब फ्लैट फुट है या मेजर इंजुरी कोई है बॉडी में, तो ये फिजिकल के अंडर में आते हैं लेकिन मेडिकल के थ्रू में जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आप अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के तहत फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते थे तो मैंने आपको पूरा बता दिया था कि हाइट क्या चाहिए, वेट, चेस्ट और पूरा डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करा, आप उसके हिसाब से देख लेना और चेक कर लेना अपने आप को, राइट। और अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद, लव यू ऑल।